Hello class, our today's topic is drawing of peacock. So today I will explain you how you can draw peacock easily. किस तरह से draw कर सकते हैं. तो आपको अपनी book को standing position में रखना है, ऐसे जैसे हमने यहाँ पर रखा है. अभी हम start करते हैं peacock की drawing. तो पहले हमें इसका face से draw करना है. पहले हमें इसका face draw करना है. छोटा सा इसका ऐसे फेस बनाएंगे. इसकी जो नेक होती है थोड़ी टॉल होती है और पतली भी होती है थोड़ी सी. अब यहाँ से इसकी बॉडी लेंगे. तो बॉडी के लिए बॉडी थोड़ी इसकी ऐसे ओवल शेप में ये. इसके विंग्स अभी इसकी बीक थोड़ी सी लंबी होती है और पॉइंटेड होती है और थोड़ी सी कर्व भी होती है. यहाँ इसके सर पर क्राउन होता है ऐसे. थोड़े छोटे बनाते हैं. अभी इसके लेग थोड़ा सा मैं जितना कम इसको बॉर्डर कर देते हैं. इसके फीट इसकी बीक अभी इसके जो विंग्स होते हैं वो बनाएंगे. पहले ऊपर का यहीं पर इसके पीछे अभी इसी के आसपास लेते जाना है हमें. ये ऐसे ही हम दूसरी तरफ भी सेम बनाएंगे. मेजरमेंट उसका भी सेम ही रखेंगे.
पेंसिल लाइट रखें स्केचिंग के लिए, ताकि जो भी आपका अगर मिस्टेक है जो आप उसको इरेज करें तो वो। अभी यहाँ पर एक लैंड शो करेंगे, बैकग्राउंड में आप कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम इसके फाइनल स्केचिंग कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आपने देखा होगा इसकी जो विंग्स होती हैं, उसमें इसकी आईज जो होती हैं अभी यहाँ पर अभी इसमें कलरिंग स्टार्ट करेंगे। कलरिंग से पहले हमने कलरिंग स्टार्ट करने से पहले जो पेंसिल का था जितना भी सब इरेज कर दिया, जहाँ जहाँ पेंसिल का मार्क दिख रहा था। अभी हम कलरिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले हम इसकी जो बॉडी है यहाँ पर पर्पल कलर लेंगे। अगर आप पीकॉक ग्रीन कलर बनाना चाहते हैं तो पीकॉक ग्रीन कलर बनाने के लिए आपको ग्रीन कलर और ब्लू कलर को मिक्स करना है, तो आपका पीकॉक ग्रीन कलर बन जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हम गोल्डन का टच भी दे रहे हैं। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा ब्लूइश कलर होता है, डार्क ब्लू, तो हम ब्लू कलर करेंगे और उसके ऊपर हम ये पीकॉक ब्लू कलर है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा हम टच देंगे पर्पल का।
थोड़ा सा हम पर्पल का टच दे रहे हैं इसके ऊपर। डार्क ब्लू कलर आपको करना है यहाँ पर, उसके साथ में थोड़ा सा अभी जिसके लेग हैं उसमें हम जो डार्क येलो कलर होता है वो यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो बीक है उसमें हम रेड कलर है, क्योंकि इसकी बीक रेड कलर की होती है। जब पीकॉक डांस करता है तो बहुत एकदम ब्यूटीफुल लगता है, आपने शायद इसका डांस देखा होगा। और रेनी सीज़न में ये बहुत हैप्पी होता है और जब खुश होता है तो बहुत अच्छे से डांस करता है। अभी हम इसके जो विंग्स हैं उसमें हम लाइट ग्रीन कलर यूज़ कर रहे हैं। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर ग्रीन का टच भी देंगे। अभी हम यहाँ पर
थोड़ा सा इसके ऊपर गोल्डन का टच भी हम दे रहे हैं। अभी हम यहाँ नीचे जो बैकग्राउंड है उसमें कलरिंग करेंगे, उसके अंदर हम वी आर यूजिंग ग्रीन कलर। अभी हम यहाँ पर जो है इसके अंदर ब्लू कलर करेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड में। स्काई ब्लू कलर वी आर यूजिंग। हमारा जो पीकॉक है वो कंप्लीट हो चुका है, तो आप भी ऐसे ही पीकॉक ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया। ओके क्लास, बाय बाय।